वैसे भाइयों, लावा ब्लेज कर्व 5G पर आज अपन BGMI गेम प्ले टेस्ट करेंगे। तो यहाँ से आगे देखते हैं डिवाइस के ग्राफिक्स। सो ये डिवाइस स्मूथ पर एक्सट्रीम से लेकर HDR में अल्ट्रा और आगे अल्ट्रा HDR औकात से बाहर। यहाँ से आगे डिवाइस के ग्राफिक्स को मैंने स्मूथ पर एक्सट्रीम करके कलरफुल 4X करके सेव किया और आगे चल दिया BGMI की गेम प्ले की ओर। सो लावा ब्लेस कर्व 5G को लेकर मैं सीधे आ गया यासनाय और ड्रॉप। वैसे भाई लोग आपका वेलकम है। बिल्कुल वेलकम है आपका। गजब सीन यूजी बाज। सो ये बंदा सीधे पेटी में तब्दील। वैसे भाई लोग डिवाइस पर मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ इस गेम प्ले को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और डिवाइस पर ऊपर FPS मीटर चालू है। वैसा फिलहाल शॉप के पास एक बंदा छत के ऊपर चेक कर कैंपिंग कर रहा था। वो नॉट फिनिश। वैसे उस बंदे की पेटी बनाकर मैं आया था पीछे वाले अपार्टमेंटों पर, तो यहाँ पर मुझको एक बंदा नजर आया था। बंदे की पेटी बनाकर मैं लास्ट वाले अपार्टमेंटों पर आया। ये देखिए डबल बंदे कैंपिंग कर रहे थे छत के ऊपर चेक कर, तो इन दोनों बंदों को दबोचा। सो इन बंदों को दबोचने के बाद स्नाइपर टावर के पीछे ये रहा बोट और ये बोट सीधे नॉक फिनिश। वैसे भाई लोग डिवाइस पर आपको डायमंड सिटी 7050 का 5G चिपसेट मिलता है जिसकी परफॉर्मेंस डिवाइस के अंदर अच्छी खासी है। मैं वापस आया आगे, मुझको नीचे एक बंदा नजर आया जिसको पकड़ा और इस बंदे को पकड़ते बराबर मुझको आया एक और बंदे का साउंड। ये देखिए सामने बैठा हुआ ये बंदा, यहाँ पर बमबाजी करता हूँ। गजब सीन। सो ये बंदा फूटा नहीं। वैसे हाँ डिवाइस का अंतुतु स्कोर समथिंग 5.5 लाख के आसपास आता है। यहाँ से आगे ऊपर जाऊंगा। गजब सीन। जो बंदा ऊपर बैठा हुआ है वो बमबाजी कर रहा था, तो थोड़ा सा वेट करता हूँ यहाँ पर। तो इस बम के फटने के बाद मैं ऊपर आया। गजब सीन। ये बंदा खिड़की फांद कर फाड़ी हो गया, इसका फुट साउंड आ रहा था। हमारे भाई के अनुसार इस बंदे की भाई साहब किसी और तीसरे बंदे ने पेटी बना दिया। सो ये तीसरा बंदा मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं पर कैंपिंग कर रहा है भाई साहब। ये नजर आया जिसको डैमेज करते बराबर। गजब सी। मेरे जस्ट सामने एक बंदा कूदा और किसी बंदे ने चिमनी फेंका था। यहाँ से आगे एक और बार बमबाजी करता हूँ यहाँ पर। वैसे भाई लोग डिवाइस पर आपको एमुलेट डिस्प्ले मिलता है जिस पर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है आपको। सो मुझे समझ आया, मेरे हिसाब किताब से यहाँ पर दो स्क्वाडों के बंदे आपसी भाईचारा खराब कर रहे थे जिसमें से एक बंदा इस घर के अंदर भागा। ये देखिए ये रहा दूसरा बंदा। अरे क्या गंदा भागा ये तो। सो मैं इस बंदे का पीछा करने के लिए सोच रहा था लेकिन भाई साहब मेरे आसपास मुझे कम से कम 2 से 3 फुट स्टेप आ रहे हैं जिसका मतलब ये बंदे पीठ पीछे पिछवाड़े पर गोली मार सकते हैं भाई साहब। तो मैं हल्का सा रोटेशन लेकर आगे जाता हूँ। वैसे हाँ डिवाइस पर आपको LPDDR 5 RAM उसके साथ स्टोरेज 3.1 का सपोर्ट मिलता है भाई साहब। यहीं कहीं पर एक बंदा है, मैं माँ कसम अम्मा बहन पे जाऊँगा। ना जाने कहां पर भाग गया ये बंदा। स्पेशल दुख। सामने एक बंदा नॉक फिनिश। वैसे आसनाया पर पूरे बंदे भाई साहब कैंपिंग कर रहे हैं यहाँ पर क्योंकि मेरे जस्ट सामने एक भाई नॉक फिनिश हुए। जिस बंदे ने भाई साहब नॉक फिनिश किया था वो फाड़ी हो गया। तो मैं इस बंदे को ना जाने कहां पर ढूंढूं क्योंकि मेरे ख्याल से बंदा कहीं ना कहीं पर कैंपिंग कर रहा है भाई साहब। वैसे लावा ब्लेस कर्व 5G अपने FPS को हल्का सा ड्रॉप कर रहा है लेकिन समस्या वगैरह है नहीं। यहां से आ गया बंदे की पेटी लूटने के वास्ते स्पेशल दुख। जैसा कि मैंने आपको बताया था ये बंदा कैंपिंग कर रहा है ऊपर। वैसे भाई लोग डिवाइस पर आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है जिसको चार्ज करने के लिए 33 वॉट का सुपर फास्ट चार्जर आता है। मैं ऊपर आया तो ये बंदा नीचे भाग गया। सो मुझे इस बंदे का साउंड आया, मेरे ख्याल से ये बंदा कहीं ना कहीं पर कैंपिंग कर रहा है। मैं वापस ऊपर आया। ऊपर आने के बाद हिसाब किताब से नीचे जाता हूँ। ये देखिए सामने बंदा भाई साहब कैंपिंग कर रहा है। चलो चलते चलो। ये फिर फाड़ी।
ये देखिए। सो फाइनली ये बंदा ये रहा। तो ये कैंपर बंदा सीधे पेटी में तब्दील। इस बंदे की पेटी बनाने के बाद यहाँ से आगे इस मैच पर भाई साहब 10 किल मेरे हो चुके हैं और ये डिवाइस अपने FPS को 50 से नीचे भी ड्रॉप कर दे रहा है भाई साहब। लेकिन मुझको ज़्यादा कहीं पर रेंडर महसूस नहीं हो रहा। यहाँ से अंदर एक बंदा, तो इस बंदे के मुंह पर बमबाजी करता हूँ। ये इस तरफ आ गया, ये वापस आया इस तरफ। सो फाइनली ये बंदा सीधे पेटी में तब्दील। इस बंदे की पेटी बनाने के बाद सुकून के साथ बंदे की पेटी लूटा। बंदे की पेटी लूट कर मैं वापस आया इस नीले वाले घर पर। हमारे भाई से रेड डॉट लिया और ऊपर जाता हूँ। एक बंदा कैंपिंग कर रहा है, ये कैंपर जिसकी पेटी बनाने के बाद मुझे साउंड आया पीछे वाले घरों पर कुछ बंदे भाई साहब। तो मैं पीछे आया, ये देखिए ये एक बंदा छत के ऊपर चेक कर बैठा हुआ है। इसके मुंह पर बम फेंकता हूँ यहाँ पर। ये बंदा ब्लास्ट। इस बंदे को फोड़ने के बाद दूसरा बम फेंका, बंदे की पेटी मिस। इस बंदे की पेटी मिस हुई। वैसे भाई लोग डिवाइस पर भाई साहब स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू है, लेकिन मुझे ज़्यादा कहीं पर रेंडर वगैरह महसूस नहीं हो रहा डिवाइस पर। यहाँ पर चिमनी फेंका, यहाँ से एक और, देन यहाँ से आगे। गजब सीन, ये स्क्वाड फिनिश। तो ये वाली स्क्वाड के दो बंदे हमारे भाई ने पकड़े, दो बंदों को मैंने। तो ये वाली स्क्वाड सीधे फिनिश। तो देखिए डिवाइस हल्के फुल्के FPS को ड्रॉप करके रख रहे, कहीं पर और कहीं पर मेंटेन भी कर ले रहा है। यहाँ से आगे आया स्टेलबर की पहाड़ियों पर, क्योंकि सर्कल भाई साहब यहीं कहीं पर बना हुआ है। और यहाँ पर आते बराबर मुझे आया स्प्रेबाजी का साउंड, जिसका मतलब भाई साहब ये देखिए, ये नीचे एक बंदा स्प्रेबाजी बर्बाद। सो रिच की वजह से बंदे को गोली पड़ी नहीं थी भाई साहब। यहाँ से ऊपर रिच पर ये दूसरा बंदा नजर आया, जिसका मतलब सामने वाले रिच पर कम से कम डबल बंदे तो होंगे ही होंगे, जिसमें से एक बंदे ने हमारे भाई को नॉक कर दिया भाई साहब। ये रहा झाड़ के पीछे। तो इस बंदे के ऊपर स्प्रेबाजी करता हूँ। ये एक बंदा रोटेशन ले रहा था, जिसके ऊपर पहला M4, ये बंदा सीधा नॉक। यहाँ से आगे बंदा फिनिश, और ये दूसरा बंदा मेरे ख्याल से सामने वाले झाड़ के पीछे छुपा हुआ है। तो इस बंदे के ऊपर बमबाजी करने का प्रयास करता हूँ भाई साहब। ये बंदा फूटा नहीं। यहाँ से आगे दूसरा बम, गजब सीन, बंदा रफू चक्कर। सो ये बंदा रफू चक्कर हो रहा है, जाला फेंक फेंक कर स्पाइडरमैन के जाले से फाड़ी, गजब सीन। पीछे पूरा एक स्क्वाड, ये स्क्वाड फिनिश। और ये वाली स्क्वाड की पेटी बनाते बराबर उसके पीछे एक और स्क्वाड आ गई थी, जिसका एक बंदा नॉक फिनिश। फिलहाल मेरे पास M4 की गोलियां खत्म। वैसे यहाँ पर हमारे भाई ने भाई साहब गोलियां फेंके, सामने एक बंदा छुपा हुआ है। स्पेशल दुख DBS बाज, ये DBS बाज सीधे पेटी में तब्दील। तो इस बंदे की पेटी बनाने के बाद मैं वापस आया पीछे, क्योंकि पीछे एक बंदा बचा हुआ था और ये बंदा स्प्रे बाजी कर रहा है ना जाने कहां पर। ये एक बंदा नजर आया, ये सामने एक और बंदा था। हमारे चार नंबर वाले भाई ने पेटी बना दी उसकी। सो यहां से आगे जाऊंगा, क्योंकि सर्कल नीचे कट चुका है और इस मैच पर कुल तीन बंदे बचे हुए हैं, जिसमें से एक बंदा ये नजर आया। ये रहा झाड़ के पीछे, गन मशीन बाजी कर रहा था, जिसका नाम था आसूडोन। बंदा फिनिश। वैसे भाई लोग इस वीडियो पर 400 रुपीज़ का रिडीम कोड मैंने दिया हुआ था, किस बंदे ने भाई साहब रिडीम कोड को रिडीम किया प्लीज कमेंट सेक्शन पर बता देना, ताकि बाकी बंदे परेशान ना हो। ये सामने एक बंदा छुपा हुआ है, इसके मुंह पर बमबाजी किया, लेकिन भाई साहब ये बंदा ऊपर आ गया घर के ऊपर। चिमनी देखता हूँ यहाँ पर। वैसे यहाँ डिवाइस बहुत ज़्यादा अच्छे खासे FPS प्रोवाइड कर रहा है। समथिंग BGMI के अगले अपडेट पर
लावा ब्लेस 5G की परफॉर्मेंस और ज्यादा बेटर हो सकती है क्योंकि BGMI का अपडेट 20 तारीख को आ रहा है। सो यहाँ से आगे मात्र एक बंदा बचा हुआ इस मैच पर जिसको ढूंढ रहे थे, ये रहा बग्गीबाज। गजब सीन, स्प्रे बाजी बर्बाद। सो ये बंदा लेट कर AKM पेल रहा था, बंदा सीधे पेटी में तब्दील। सो इस बंदे की पेटी बनाने के बाद मैं आपको बता दूं, लावा ब्लेस 5G ने इस पूरे गेम प्ले पर 50 से 60 के बीच पर अपना फ्रेम रेट रखा हुआ था। सो मुझे दिक्कत परेशानी गई नहीं। वैसे हाँ, डिवाइस का प्राइस रेंज आपको इस टाइम पर Amazon के अंदर आपको 18,000 रुपए के अंदर देखने को मिलता है, जो कि अच्छा खासा प्राइस रेंज है। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।